ये घटना है 1984 की। ये घटना कब की है? 1984। सुन लेना बच्चा, 1984 की घटना है। सियाचिन ग्लेशियर पर ना भारत का अधिकार था ना पाकिस्तान का अधिकार था, दोनों लोगों का अधिकार नहीं था। ऐसे पढ़ा रहा था, तो भारत ने सोचा कि सियाचिन ग्लेशियर पर क्या किया जाए, कब्जा किया जाए। भारत ने सोचा सियाचिन ग्लेशियर पर क्या किया जाए, कब्जा किया जाए। कब्जा करने की योजना किसने बनाई? भारत। लेकिन भारत योजना बनाया तो पता किया सियाचिन ग्लेशियर पर कैसे जाया वाया जाए, तो किसी ने बताया भाई क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत होती है, बर्फ रहती है, तो किसी ने कहा सियाचिन ग्लेशियर में जाए खातिर जूता अलग चाहिए, बर्फ वाले जूते चाहिए, कपड़े अलग चाहिए, कपड़ा पहन के जा नहीं सकते हुए नहीं। बर्फ आपको मालूम, बर्फ यदि आपके हाथ में लग जाती है तो सड़न भी हो जाती है, पता है ना, सड़न हो जाती है, पूरा हाथ गलने लगता है तुम्हारा, सड़ जाता है बच्चा, बर्फ में बड़ा खतरनाक काम होता है। तो ऐसे कपड़े पहन के जा नहीं सकते, उसके लिए अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये बात भारत सरकार को बताई गई कि कपड़ा पहन के कोई जा नहीं सकता है, ये आर्मी वाले हमारे ऐसे जा नहीं सकते। तो भारत ने कहा ठीक है, परेशानी कौन बात है, कपड़ा सिलवा ली जाती है। तो कपड़ा आपको पता, भारत बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा ठंडी यूरोप में होती, कहाँ होती है? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप महाद्वीप में नॉर्वे स्वीडन का नाम सुने हुई हो, नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क वगैरह का नाम सुने। तो नॉर्वे जो है बर्फ वाले कपड़ा सिलत है, ठंडी वाले कपड़ा कौन सा देश सिलत है? नॉर्वे। तो भारत से पहुंचे भाई, भारत से इंदिरा जी होरी पहुंची, संदेश भिजवाएं कहें कि जो है कपड़ा सिलवा दो, काहे खातिर ठंडी वाले। नॉर्वे के पास पहुंचागा तो नॉर्वे ने कहा सुनो अभी हम जो है आपके कपड़े नहीं सिल पाएंगे। तो भारत वाले कहें काहे ना सिल पे, का दिक्कत है? तो कहें अभी हमारे पास ऑर्डर लगे हैं, कपड़े के आर्डर जो है लगे। तो भारत पता किया को कपड़े का आर्डर देगा, तो पता चला आर्डर कौन दे गया, पाकिस्तान। कौन दे गया? पाकिस्तान पहले आर्डर दिया हुआ कपड़ा सिले खाते। और ये बात किसको पता चल गई? भारत को। किसको पता चल गई? भारत। नॉर्वे ने ये तक बता दिया कि 10-15 जोड़ी कपड़ा लेके पाकिस्तान यहाँ से चला गया है। भारत ने कहा जैसे यह बात पता चली तुरंत साइकिल उठाई, नॉर्वे कहाँ आ गए? दिल्ली। कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली में सभा बैठे और तुरंत बुलाया गया, सेना के जवान बुलाए गए, अफसर बुलाए गए, सबको बुलाया गया और मीटिंग ली गई और बताया गया कि ऐसा ऐसा मैटर हो गया। आपको पता है भारत के जवान जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है बच्चा, बहुत जोश होता, देश प्रेम बहुत ज़्यादा होता है ना। उनको ये नहीं पता है अपड़ा कपड़ा कुछ नहीं पता। भारत के जवानों ने कहा सुनो ऐसा ना हो जाए सियाचिन पर कब्जा कौन कर ले? पाकिस्तान। उससे पहले हमको जाना होगा। तो भैया भारत वालों से कहा गया कपड़ा नहीं, जूता नहीं, कैसे जइयो हुआ? तो सेना के जो जवान थे वो कहें कपड़ा उपड़ा जरूरत नहीं है, भारत माता की जय करीन, और कहा करीन कहीं चलो चल दिए। 10-12-15-20 आदमी जो है पूरी टीम लेके कहां पहुंच गए? सियाचिन के लिए। लेकिन इनसे बताया गया था कि फोन कोई ना ऑन करना, फोन ना ऑन करो क्योंकि पाकिस्तान के सेटेलाइट लगे रहे, पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, फोन कोई नहीं ऑन करेगा। सारे जवान चल दिए फोन स्विच ऑफ करके, चल दिए सब जने। कहाँ जा रहे हैं? सियाचिन ग्लेशियर। और कब की घटना है? 1984। सब लोग जा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर जा रहे थे, रास्ते में एक जने का लाग लाओ घर से बात कर ली, फोन निकाली और ये बात किसको पता चल गई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के 15-20 जवान कहाँ पहुँच गए थे? ऊपर सियाचिन। जैसे पता चला ऊपर वो लोग हैं, उनको पता चला कोई आ रहा है, तुरंत उन्होंने वहाँ से क्या कर दिया? हमला। क्या कर दिया? हमला। उसमें हमारे कुछ जवान, 2-4 जवान क्या हो गए? मारे गए। बाकी भारत के सारे जवान बिना कपड़ा उपड़ा, कपड़ा मतलब साधारण जो आप वर्दी पहनते हो यही कपड़ा, सूटर जैकेट पहन के पहुंच गए। कहां पर? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय पहुंच गए और पहुंचने के बाद पाकिस्तान के 10-15 जवान ने सबका मारिन, पहले अघायक मारिन भारत के, कहीं कपड़ा उतारो, सबसे कहा करीन कपड़ा उतरवाए, और कपड़ा उतरवाए कहा करीन पहन लिए, पाकिस्तान वाले इनके कपड़ा पहन लिए। और कपड़ा पहनने के बाद जब पाकिस्तान का वहां से जहाज गुजरे तो अच्छा हमारे लोग देखो कपड़ा उपड़ा पहने बढ़िया, खाना दे जाए पाकिस्तान वाले, कहा दे जाए खाना दे जाए। और कहा गए भैया, और कहा गए? नॉर्वे। नॉर्वे से आओ कपड़ा सिला के देंगे, कहें यो ले लो यो पहनो, आओ कपड़ा ले आए। और यहाँ भारत वाले कहा कह रहे हैं कपड़ा उपड़ा पहने। फिर भारत वालों को लगा बहुत दिन में गए बढ़िया रहा जा रहा, अब अपना देश का तिरंगा क्या किया जाए, यहाँ गाड़ दे। जैसे तिरंगा गाड़ा गया तुरंत समझ गए कौन, पाकिस्तान, मामला क्या हो गया गड़बड़। आज भी भारत कपड़ा नहीं सिला, आजो भारत कपड़ा नहीं सिला, वही कपड़न से काम चला रहा। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर में वही कपड़न से कार्य चला। और इस जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन को कहा गया ऑपरेशन मेघदूत। क्या कहा गया?
इसको क्या कहा गया? ऑपरेशन मेघदूत। तो क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ? 1984। किस पर कब्जा करने के लिए? सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर पर ही क्या है? इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। तो इंदिरा कौल पर कब्जा हमने कब किया? 1984। और ऑपरेशन का क्या नाम था? मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ? 1984। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बन गया जाके इंदिरा कौल।